डिस्प्ले में आपको देखने को मिल रहा है 4 लाख रुपए का फ्रॉड, और ये फ्रॉड थोड़ा अमाउंट नहीं है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है। तो अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और उस ट्रांजेक्शन में अगर आपका पैसा फंस जाता है तो आपको कैसा लगेगा? मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। मेरा ये कर्तव्य है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको एक सही एंड अच्छा डायरेक्शन दूँ, जिस डायरेक्शन में जाके आप पैसे को ट्रांसफ़र कर पाएँ। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम कुछ काम करते हैं तो वो किसी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही करते हैं। जैसे डॉक्टर के पास हो गया, लॉयर के पास हो गया, अपने माँ बाप के पास हो गया या अपने दादा के पास हो गया, जब भी हम रिकमेंडेशन लेते हैं और उसके बेसिस पे ही काम करते हैं। बट जब हम कुछ ऐसे यूनिक रिकमेंडेशन के लिए इंटरनेट में सर्च करते हैं और आपको कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलता है जहाँ पर आपका पैसा फंस जाता है, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि गूगल पे के द्वारा अगर आप पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा कंडीशन रखा गया है, और ये कंडीशन आपको फॉलोअप करना पड़ेगा, फिर आप बहुत इजी वे से गूगल पे के सहारे पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्विफ्ट कोड बोल के एक कोड होता है, और ये स्विफ्ट कोड आपको कहाँ मिलेगा? बैंक के द्वारा ही मिलता है। आपको बैंक मैनेजर से बात करना है और स्विफ्ट कोड मांग लेना है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब भी हमारे YouTube से कोई पेमेंट आता है तो एडसेंस में सबसे पहले हमें स्विफ्ट कोड देना पड़ता है। और वो स्विफ्ट कोड क्यों देना पड़ता है? जब भी विदेश से पैसा इंडिया आता है तो वो एक प्रॉपर जुरिस्डिक्शन मांगता है, किस जुरिस्डिक्शन में कौन से बैंक में पैसा जाने वाला है, और कुछ इस प्रोसेस से जो है पैसे को ट्रांसफ़र किया जाता है। उसी तरह अगर स्विफ्ट कोड का आवश्यकता कभी भी आपको होता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए, तो आप बैंक से ज़रूर ये चीज़ फाइंड आउट करें, इंटरनेट से फाइंड आउट ना करें, इससे गलती बहुत सारे हो सकता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि गूगल पे के द्वारा अगर पैसे को सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो इंसान विदेश में है वो एक इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए और उनका बैंक अकाउंट या खाता इंडिया का होना चाहिए, फिर वो इंडिया से कोई भी इंसान उसको पैसे को ट्रांसफ़र कर सकता है। और ये प्रॉपर गूगल पे के द्वारा बताया गया है ऑफिशियली। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि गूगल पे अगर ये बात कर रहा है, ये दावा कर रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि जब मैं मान लीजिए एज ए स्टूडेंट कहीं स्टडी के पर्पज़ में अगर विदेश में जाता हूँ तो वहाँ पर मेरा एक नया सिम होगा, वो कल खाता मुझे ओपन करना पड़ेगा, और कहीं हद तक जब मैं वो सब काम करूँगा तो इंडिया से गूगल पे के द्वारा कितना पॉसिबिलिटी बन जाता है, वहाँ पर थोड़ा सा डाउट आ जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप कस्टमर केयर में बात करेंगे, टेंशन मत लीजिए, मैं पूरा बताने वाला हूँ कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं या विदेश में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो कौन सा ऐसे प्रोसेस है जिस प्रोसेस में जाके आप लीगल वे में पैसे को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। गूगल पे में मेरे साथ क्या हुआ था, मैं जब गूगल पे कस्टमर केयर के साथ बातचीत किया तब मुझे ऐसा रिकमेंडेशन देखने को मिला, कोई भी प्रॉपर गाइडलाइन मुझे देखने को नहीं मिला। बट ऑन द अनदर साइड आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ अलग प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। गूगल पे में अगर आप आर्टिकल रीड आउट करेंगे तो आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा कि गूगल पे के सहारे आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बट अगर ओरिजिनल पार्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिस्ट इंडिया देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक प्रॉपर वे में इंडिया से अब्रॉड में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए गूगल पे यूज़ नहीं हो रहा है। बट कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को फॉलो करके अभी गूगल पे यूज़ कर रहा है। जैसे सऊदी अरब में अगर बातचीत किया जाए, सऊदी अरब में कुछ सर्टेन टाइम के लिए जो है गूगल पे नहीं था, मे बी अभी भी नहीं है, गूगल पे प्ले स्टोर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर क्या कर रहा था बहुत सारे इंसान, इंडिया का मेल आईडी ओपन करके, अर्थात इंडिया में मेल आईडी, इंडियन सर्वर में मेल आईडी क्रिएट किया गया है, और वो मेल सऊदी अरब में एक इंसान जो है फ़ोन में लॉगिन करके प्ले स्टोर से जो है गूगल पे को इंस्टॉल करके यूज़ कर रहा था। तो पहले एप्लीकेशन था, सर्टेन टाइम के लिए अगर नहीं रहता है तो वो एप्लीकेशन यूज़ करके आप इजी वे से पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट अगर किसी कंट्री में वो लागू ही नहीं है तो कहीं हद तक वो यूज़ करना बहुत बड़ा चैलेंजेस हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गूगल पे के अलावा कौन कौन से ऐसे वे हैं जिस वे में जाके आप पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो है वाइज। वाइज आप यूज़ कर सकते हैं, जो 48 आवर्स टाइम लेता है कोई भी पैसा ट्रांसफ़र अगर आप कर रहे हैं।
फिर आता है वेस्टर्न यूनियन, मैं आपको बताना चाहूँगा, और चार्जेस के बारे में मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कंट्री में पैसे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बट आप टेंशन मत लीजिए, आप किसी भी कंट्री में अगर आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं कमेंट करिए, मैं आपको पूरा गाइड करूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए जाते हैं, आपको सबसे पहले दो चीज़ बहुत ध्यान से चेक करना है। एक जो है उनका रिव्यू क्या है, जो आपको देखने को मिलेगा प्ले स्टोर के एप्लीकेशन के नीचे कमेंट सेक्शन में, और दूसरा जो है कस्टमर सपोर्ट। एक कस्टमर सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, और इनिशियल स्टेज पे जब आप पैसे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तब आपके माइंड में बहुत सारे डाउट आता है, बहुत सारे टेंस आता है, आपका पैसा जाएगा या नहीं, अगर नहीं जाता है तो रिफ़ंड कैसे आएगा, अगर प्रोसेसिंग में कुछ प्रॉब्लम आता है तब क्या होगा, ऐसे तमाम बहुत सारे क्वेश्चन होता है जो आपको लाइव एक सोल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक अच्छा कस्टमर सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये दो चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वेस्टर्न यूनियन में आप इंटरनेट में सर्च करिए, जैसे डिस्प्ले में आपको देखने को मिल रहा है, और वहाँ पर आपको फाइंड लोकेशन बोल के एक ऑप्शन मिलेगा वेस्टर्न यूनियन ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर में, और वहाँ पर आप अपने प्लेस का नाम वहाँ पर टाइप करिए। जैसे ही आप टाइप करते हैं वहाँ पर आपको ऑफलाइन ब्रांच देखने को मिलेगा, और वो ब्रांच आप विजिट कर सकते हैं। जैसे आप SBI ब्रांच विजिट करते हैं, एक्सिस ब्रांच विजिट करते हैं, या किसी भी ऑफलाइन ब्रांच विजिट करते हैं, वैसे ही वेस्टर्न यूनियन का जो है ऑफिशियली एक ब्रांच विजिट करके आप बातचीत कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जब भी आप विजिट करेंगे आप वहाँ पर ट्रांजेक्शन फीस ज़रूर पूछें कि इसमें चार्जेस कितना लगेगा इस अमाउंट पे। क्लियर कट समझने के बाद आप अलग बैंक में जाइए, जैसे SBI में जाइए, SBI में मैनेजर के साथ बात करिए कि मैं इतना पैसा इस कंट्री में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो वो लोग आपको गाइड करेगा कि आपको कहाँ जाना है, कितना चार्जेस है, पूरा लिस्ट वहाँ पर गाइड किया जाएगा। आप SBI में जा सकते हैं। ऑन द अनदर हैंड अगर देखा जाए, जूम है, एक ट्रैवल मनी है, ऐसे तमाम बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिसके द्वारा आप पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप कौन से कंट्री में पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं आप ज़रूर से नीचे में कमेंट करें, और ये सब चीज़ जितने भी रेफरेंस मैंने आपके साथ शेयर किया ये हर एक चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाके ज़रूर से चेक करें। फिलहाल फ्रॉड से बचें, अपने आप को बचाइए। कोई भी लिंक अगर आपके फ़ोन पर आता है तो वहाँ पर जल्दी से जल्दी क्लिक करने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई भी फ्री में आपको पैसा देने वाला नहीं है, कोई भी फ्री में आपको कुछ देने वाला नहीं है, ये साफ साफ चीज़ आप अपने दिमाग में रखिए। फ्री बोल के कुछ नहीं होता है, फ्री अगर होता है तो वहाँ पर आप प्रोडक्ट बन के जाते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में मैं आपसे अलविदा मांगता हूँ। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके होम पेज में जाता रहेगा। कुछ टाइम के लिए मैं आपसे अलविदा मांगता हूँ, मिलता है ठीक इसी तरह एक नए वीडियो के साथ, एक नए सोच के साथ और एक नए जोश के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइज़।